डमी कैंडिडेट नहीं है, ये गलत है, ये अफवाह है, उड़ाने दीजिए उन सबको। खाली दिखाने के लिए भेज नहीं नहीं बस पप्पू निषाद को खाली दिखाने के लिए प्रत्याशी बना। कोई बात नहीं, पप्पू निषाद को दिखाने के लिए नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे जितने लोग भी आए हैं सब अपना पैसा अपना खर्चा करके आए हैं। पैसा नहीं मिला? नहीं मिला है भाई, हम लोग कैसे, हम लोग बिकने वाले आदमी नहीं है। हाँ बिकते हैं भाजपा के लोग। क्या कहेंगे उनके, जीत रहे जीरो, जीत रहे जीरो जीरो, ये कोट उनका नहीं है। बहुमत से जीत के, प्रचंड बहुमत से। अरे निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंडे खंडनी, अरे बने रे प्रकाशनी भजा में बिंदु बासनी, जीरो पे जा तो जीरो पे, एकदम जीरो पे। अदावल में क्या माहौल है, कौन जीत रहा है? सपा। सपा वो तो कह रहे हैं कि मैं अदावल से हम जीत रहे हैं। कौन? भाजपा वाले। अरे भाजपा वाले तो निषाद जी कहते एक बार उनसे पूछ लीजिए क्या करके मैं अदावल विधानसभा में अगर चार गांव का नाम बता दे वहीं से जीते हैं। नहीं जान तो हम बताएं उनको फिर चार बार चार गांव का नाम बता दे। गांव का नाम नहीं, पाँच साल हो गया कभी संत कबीर नगर में पूछ लीजिएगा, दो राउंड मारे हैं। पाँच साल सांसद रहे हैं। अरे यार सांसद रहने से हमको मतलब है, रोजी रोटी आ गया सांसद होने से। वो तो कह रहा है कि हम बहुत विकास किए, बहुत बढ़िए 10 साल से विकास कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं महंगाई कहाँ गई। पप्पू निषाद 1.5 लाख से आप नोट कर लीजिए, 1.5 लाख से जीत रहे हैं। खजनी सोते हुए देखिए, अम्बेडकर नगर सब कुछ देखते हुए आ रहे हैं। 1.5 लाख वोटों से कम अधिक से अधिक 2-2.5 लाख हो जाएगा। बहुत बुरी दशा है भाजपा में प्रवीण निषाद के। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है संत कबीर नगर में और संत कबीर नगर जिला मुख्यालय पे 62 लोकसभा क्षेत्र संत कबीर नगर में आज सपा प्रत्याशी पप्पू निषाद का नामांकन है। और नामांकन के दिन जो है ये जूनियर हाई स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल में एक जनसभा की गई है और जनसभा में सम्मिलित हुए ये तमाम सारे लोग हैं। हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार का क्या माहौल है पप्पू निषाद को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण निषाद चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी से पप्पू निषाद, और बसपा ने उतारा है नदीम अशरफ को। किस प्रकार का क्या माहौल होगा, लोगों से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम हुआ चाचा जी? अशोक आर्या। क्या माहौल है इस समय? माहौल तो दिखाई दे रहा, देख रहे हैं रेला लगा हुआ है और इंडिया का गठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी आया है बहुत ही अच्छा, बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही जानकार, उससे बढ़िया प्रत्याशी कोई है ही नहीं है। कितने लोगों की संख्या आई होगी? अब देख रहे हैं, आप खुद आकलन कर लीजिए, कम से कम लाखों की संख्या है। लाखों की संख्या में लोग आए और क्या ऐसे ऐसे लोग आए हैं कि ऐसे अपने ही सब लोग निस्वार्थ आए हैं, वोट देने आए हैं, मोदी को जवाब देने आए हैं। देख रहे हैं कल रायबरेली में अखिलेश जी रेला लगाए हुए थे और उधर अमित शाह के रैली में बवाल हो रहा था। अखिलेश और राहुल को देख करके मोदी परेशान हो गए हैं। अब उनको ये एहसास हो रहा है कि 2024 के बाद हमारा नंबर नहीं लगने वाला है। 2024 के बाद नंबर नहीं, नहीं गुजरात गुजरात ही पकड़ेंगे अब, बाकी कहीं उनको ठिकाना नहीं मिलेगा। हाँ क्या माहौल है, ये माहौल देख करके क्या लग रहा है? माहौल देखो आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए, समाजवादी पार्टी की इतनी भीड़ जो है स्वयं की भीड़ है, किसी पैसे की नहीं है। इसके दो दिन पहले अभी भारतीय जनता से आए हम, मैं पार्टी का जिला सचिव हूँ। हाँ और हमारे साथ तमाम लोगों को लेकर के, करीब 500 लोगों को लेकर आया हूँ। पैसा खर्च करके? पैसा नहीं, स्वयं पप्पू निषाद पैसा खर्च नहीं करते, गरीब व्यक्ति है, इनको सारे लोग खुद पैसा दे करके चुनाव लड़वाने का काम कर रहे हैं। 500 रुपए पे लोग, 500 रुपए में वो भारतीय जनता पार्टी के लोग आते। परसों इनका नामांकन था प्रवीण निषाद का, 500-500 रुपए लेकर के भीड़ आई थी, काफी बार खाली थी, वो पैसे की भीड़ थी। हाँ वो पैसे की भीड़ थी। भाई साहब आगे आइए, कैसे आए हैं? पश्चिम दाखिला में आए हैं। दाखिला में कैसे, पैसे पे आए हैं कि नहीं? नहीं हम लोग पैसे से नहीं आए हैं, अपने स्वेच्छा से आए हैं। स्वेच्छा से आए, अपने खर्च करके? हाँ अपने खर्च करके। साइकिल से आए हैं, फोर व्हीलर से? मोटरसाइकिल से आए हैं। तेल कौन डाला? अपने पैसे से तेल डरा के स्वयं आए हैं। हाँ आखिर क्यों, क्या कारण? इसलिए आए हैं कि हम ये जो जिला हमारा है यहाँ बाहरी लोग आके इसको चारागाह बना दिए हैं। क्या बना दिए हैं? चारागाह इसको बनाए हैं, इसलिए बाहरी भगाओ अपने जिले के लाल के जिताओ। हाँ बाहरी भगाओ जिले के लाल को? हाँ मतलब बाहरी भगाओ जिले के लाल को जिताओ। हाँ कौन जीतेगा? पप्पू निषाद जीतेंगे सपा के। दो दिन पहले प्रवीण निषाद का भी नामांकन था? हाँ उनका था, लेकिन उनसे हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं, हम जिसमें आए उसको जाए। प्रदेश अध्यक्ष आए थे, कैबिनेट मिनिस्टर आए थे, ओम प्रकाश राजभर, तमाम बड़े बड़े नेता आए थे, बड़ा ऐलान भी किए हैं, क्या कहें? बड़े नेता से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जनता इस बार मूड बना ली है। हाँ क्या कहेंगे, क्या माहौल? पप्पू निषाद जीतेंगे। कैसे आए हैं? कैसे आए? हम लोग खजनी से आए हैं। खजनी से? हाँ क्या माहौल है खजनी में? खजनी में अच्छा माहौल है,
खजनी से तो भाजपा जीत रही है। कैसे जीत रही है? सपा जीत रही है। सपा जीत रही है? हाँ। कहाँ से आप आए? खजनी विधानसभा से। खजनी से आए हैं? क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। पप्पू निषाद कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। संजय निषाद की हालत बुरी है भाई। हाँ, बहुत बुरी है। क्या कारण है? कहाँ हालत बुरी? महंगाई, बेरोजगारी आप देख नहीं रहे हैं कितनी संख्या घूम रही है बेरोजगारों की? 1.5 लाख से जीत रहे हैं पप्पू निषाद, 1.5 लाख से। और क्या आप समझ रहे हैं? 1.5 लाख वो तो कह रहे हैं कि हम बहुत विकास किए, बहुत कर रही है, 10 साल से विकास कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं महंगाई कहाँ गई? पप्पू निषाद 1.5 लाख से, आप नोट कर लीजिए, 1.5 लाख से जीत रहे हैं। खजनी सोते हुए देखिए, अम्बेडकर नगर सब कुछ देखते हुए आ रहे हैं। 1.5 लाख वोटों से कम, अधिक से अधिक 2-2.5 लाख हो जाएगा। बहुत बुरी दशा है भाजपा में प्रवीण निषाद के। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? हम संत कबीर नगर जिले से आए हैं, करमैनी घाट से। करमैनी घाट से? जी। क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है जी। पैसा लेकर के आए हैं? कैसे? अपना पैसा खर्चा करके अपनी बोलेरो गाड़ी में पेट्रोल डाल के आए हैं, डीजल। बोलेरो में पेट्रोल नहीं पड़ता है? डीजल पड़ता है भाई साहब। अपने पैसे से जी आए हैं? अच्छा। हाँ, माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। भाजपा जीत रही है? नहीं, भाजपा जीत रही है। कौन जीत रहा है? साइकिल हमारा जीत रहा है। पप्पू कहाँ से जीत रहे हैं? आप कहाँ से आए? आलापुर विधानसभा से। क्या माहौल है आलापुर विधानसभा? आलापुर विधानसभा में हमेशा समाजवादी ही जीती है, और पप्पू निषाद अब की बार रिकॉर्ड मतों से आलापुर विधानसभा से चुनाव जीते। क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे बेरोजगारी होगी, नौजवान का मुद्दा होगा, इनके झूठे वादे गारंटी का मुद्दा है, तमाम मुद्दे। कौन सा मुद्दा ऐसा है जो बीजेपी इस समय जनता के बीच में कहा? मुद्दा पेपर लीक का है, सबसे जबरदस्त मुद्दा है। जनता में इतना आक्रोश है, कम से कम 2 करोड़ लोग तो इससे एकदम आक्रोश में है। हाँ, संत कबीर नगर का स्थानीय मुद्दा क्या हो सकता है? स्थानीय मुद्दा बहुत कुछ है, मेन तो वही बेरोजगारी भैया, कितना बार आप पूछेंगे। बहुत बड़ी बेरोजगारी का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या कहेंगे आप? युवा है, नौजवान है, क्या माहौल है? माहौल क्या है, सपा ले जा रहा है आपकी बार। कैसे आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? अरे हम आए हैं संत कबीर नगर से, मेहदावल विधानसभा से। मेहदावल विधानसभा से? मेहदावल में क्या माहौल है? कौन जीत रहा है? सपा। सपा? वो तो कह रहे हैं कि मेहदावल से हम जीत रहे हैं। कौन? भाजपा वाले। अरे भाजपा वाले निषाद जी का एक बार उनसे पूछ लीजिए, क्या करके मेहदावल विधानसभा में अगर 4 गाँव का नाम बता दे वही से जीते हैं। नहीं जानते तो हम बताएं उनको, फिर चार गांव का नाम बता दे। गांव का नाम नहीं? 5 साल हो गया, कभी संत कबीर नगर में पूछ लीजिएगा, 2 राउंड मारे हैं। 5 साल सांसद रहे हैं? अरे यार, सांसद रहने से हमको मतलब है, रोजी रोटी आ गया सांसद होने से। अरे हम लोग आर्मी का भर्ती 3-3, 4-4 साल बाद दिए हैं, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें हम लोग छठे ना हो। अब की बार देख लो। युवाओं के क्या मुद्दे हैं? युवाओं की बहुत सारी मुद्दे हैं। कौन कौन से? पहली मुद्दा है कि पढ़ाई शिक्षा और बेरोजगारी। हम लोग की नौकरी क्या है? कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं क्या है सर? आप भी तो देख रहे हैं, आपको मिला है आपके घर में काम कर रहे हैं? नहीं, आपको मतलब घर में आपके यहाँ किसी को भी कुछ मिला है? मिला, अभाव कर रहे हैं आपसे भी आपको मिला है? युवाओं के बेरोजगारी का मुद्दा है? आप लोगों को मिला है, हमको भी पता है क्या मिला है, लेकिन हम लोगों को नहीं मिला है कुछ। हाँ, चलिए चाचा जी कहाँ से आए? इधर आइए। चकिया दुसवा। चकिया दुसवा? हाँ। अरे रई 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 रई, अरे निकला गेला ये भैया, अरे निकला गेला साइकिल वाला ई निशनवा, बड़ा निकला गेला साइकिल वाला ई निशनवा, बड़ा निकला गेला। पप्पू निषाद? अरे तो और निकल गई है, जितने बात आओ साइकिल दौड़ी, एक साइकिल वाला 4-4 साइकिल सब चला है। पप्पू निषाद की जीते था। अच्छा, प्रवीण निषाद के बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उनके जीत बारे में? जीरो जीत रहे हैं, जीरो जीरो, ये कोट उनका नहीं है। बहुमत से जीत के, प्रचंड बहुमत से। अरे निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंडे खंडनी, अरे पने रे प्रकाशनी भजा मैं बिंदु बासनी, जीरो पे जा तो जीरो पे, एकदम जीरो पे। हाँ, पप्पू निषाद का की विजयी है, विजयी। अच्छा, ये जो लोग आ रहे हैं इनके बारे में क्या कहेंगे लोग? क्या हम कहेंगे? ऐसा वोट देंगे साइकिल पे? कैसे आए हैं? पैसा वैसा मिला है? नहीं, पैदल बिना चप्पल के आए हैं। देखो ये बिना चप्पल के आए हैं, एक बार दिखाइए तस्वीरों में, इनके पाँव में चप्पल नहीं है। हाँ, इतना शौकीन है साइकिल के हम। अच्छा, इतना शौकीन? हाँ, साइकिल चला के आए? हाँ, साइकिल से आए हैं, किसी से पैसा नहीं लिया। हाँ। और कुछ क्या कहेंगे दर्शक आपको सुनना चाहते हैं? चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? चुनाव के बारे में? हाँ,
पप्पू निषाद की अब की विजय है। कुछ लाइन वाइन है, कुछ लाइन है, बहुत लाइन है, क्या गाएंगे? लाखों लोग आपको देख रहे हैं, देख रहे हैं तो देखेंगे। अभी जब चुनाव में हलेंगे ढोल हारमोनियम के साथ, लखनऊ से बैठ के पूर्व मुख्यमंत्री, हाँ देख रहे हैं, जब चुनाव में ढोल हारमोनियम बजेगी तब देखना कितना। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या होने वाला, यहाँ क्या होने वाला, लाइन सुनाइए क्या। अरे रई 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 रई, अरे निकला गेला ये भैया, अरे निकला गेला, अरे साइकिल वाला ही निशनवा बड़ा निक लागे, साइकिल वाला ही निशनवा बड़ा। अब ऐसे ज्यादा न सुना। का हो चाचा, कहाँ से आई? ठीक बा, वहीं से बाटी, यही से बाटा। पैसा वैसा मिलल है? हाँ पैसा पाइल हवा। हाँ कितना पैसा पाइल? आपको रुपया हमारे के ला आई ना। कहाँ से आए हैं? हम तो बस्ती से हैं भाई। बस्ती से आए? जी। चुनाव प्रचार में? जी बस्ती से। बस्ती से आए हैं? बस्ती से। कितना पैसा मिला है? कुछ नहीं, अपनी मर्जी से आए हैं। और यहाँ करके देख करके माहौल क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। यहाँ से तो वो लोग कह रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। कहने दीजिए, कोई बात नहीं। जय समाज। चलिए जरा एक भाई साहब है जो झंडा उंडा लिए है, थोड़ा जगह दीजिए, जगह दीजिए, जगह दीजिए। कहाँ गए? क्या नाम है? हमारा ब्रिजभान। कहाँ से आए हैं? बेलहर से। बेलहर से? हाँ। क्या माहौल है? कभी नगर बेलहर। क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। कौन जीत रहा है? पप्पू निषाद। कितना पैसा मिला लहल? कक्को रुपया नहीं मिला। पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। भी चल दिए हैं? भी चल दिए हैं। हाँ हाँ, रैली में चल दिए हैं। क्या कहेंगे? कुछ लाइन वाइन है, कुछ सुनाएंगे? क्या सुनाएंगे? क्या जीते रहे हैं पप्पू निषाद? हाँ कितने वोट से जीते? बहुत वोट से जीतेंगे, 400 वोट। बाहरी बहाना वो गोरखपुर से आया, कुछ नहीं किया हम लोग का, कुछ नहीं किया हम लोग, कितना मेहनत करके जिताए थे, वो कुछ नहीं किया, नहीं कुछ नहीं उसने। हाँ बड़ा विकास किया? न किया विकास उसने, किया उसने, क्या किया है वो विकास? तो क्या लगता विकास? है क्या लगता है, पप्पू निषाद को जिताएंगे विकास हो जाएगा? हाँ विकास करेंगे, बहुत विकास किए हैं। हाँ कहीं ऐसा ना हो कि जीतने के बाद भाजपा ज्वाइन कर ले? कहीं नहीं ज्वाइन करेगा, वो अगला ये हिसाब से रहेगा, भाजपा ज्वाइन निकल गया। हाँ नहीं, भाजपा का रिजाइन किया तो कहाँ से कर लेंगे, जीतने के बाद कहाँ से कर लेंगे? अक्सर ऐसा देखने को मिला है, घोसी को देख लीजिए। सुनिए सुनिए, तमाम तमाम घर पे, अगर 5 साल का बच्चा अगर जाएगा ना तब भी उसकी सुनवाई होगी उनके घर पे। और प्रवीण निषाद के घर पे जाएगा तो सुनवाई कोई नहीं होगी, गेट से ही बाहर घुमा दिया जाएगा। गए हैं कभी? बिल्कुल गए हैं हम। नहीं सुनवाई? नहीं सुनवाई हुई है, नहीं सुनवाई हुई है। पप्पू निषाद जी जीत रहे हैं साइकिल से, सपा से। ये सवाल इसलिए था कि तमाम ऐसे बड़े नेता सांसद विधायक बनने के बाद दल परिवर्तन करते हैं, भाजपा कभी नहीं, कभी नहीं। विधायक बने हैं, मंत्री जी बने हैं, मंत्री जी बने हैं। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, हम लोग जब मैदावल में जब पढ़ने जाते थे ना, साइकिल से उनके घर पहुँच जाया करते थे। कोई भी दिक्कत नहीं पड़ता। डमी कैंडिडेट नहीं है, ये गलत है, ये अफवाह है, उड़ाने दीजिए उन सबको। दिखाने के लिए भेज? नहीं नहीं, पप्पू निषाद को खाली दिखाने के लिए प्रत्याशी? कोई बात नहीं, पप्पू निषाद को दिखाने के लिए नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे जितने लोग भी आए हैं सब अपना पैसा अपना खर्चा करके आए हैं। पैसा नहीं मिला? नहीं मिला है भाई, हम लोग कैसे, हम लोग बिकने वाले आदमी नहीं है। हाँ बिकते हैं भाजपा के लोग, हाँ भाजपा के लोग बिकते हैं। क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? खलीलाबाद से। क्या नाम हुआ? रविंदर कन्नौजिया। क्या माहौल है खलीलाबाद में? अच्छा माहौल है, देखिए जन जन से पूछिए सब लोग। उपाध्यक्ष हूँ खलीलाबाद विधानसभा का, समाजवादी पार्टी का, रविंदर कन्नौजिया। यहाँ जो लोग आए हैं सब एक एक कार्यकर्ता, एक एक लोग सपा के प्रत्याशी को एक जिताने के लिए आए हैं। आप एक कार्यकर्ता है, आप जब भी कहेंगे तो कहेंगे कि मेरा ही झंडा ऊंचा। वो तो हर कोई करता है, तो हम नहीं करेंगे। झंडा है, क्या मुद्दा है आप लोगों का चुनाव? सभी क्या मुद्दे, आप एक एक लोगों से पूछ लीजिए, इंटरव्यू लीजिए। कौन था रोज? हम लोग 2000-4000 दे के हम लोग चुनाव लड़ा रहे हैं उनको। अच्छा, दे रहे हैं? जी बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल अपना पैसा खर्चा करके उनको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, लोग पैसा खर्च करके चुनाव लड़ा रहे हैं? बिल्कुल। एक एक व्यक्ति देगा, क्यों नहीं देगा भाई? हर एक कार्यकर्ता, छोटा से छोटा कार्यकर्ता जाएगा, देगा और सहयोग करेगा उनका। माहौल है, माहौल पप्पू निषाद का है, अखिलेश यादव आपकी पीडीओ सरकार बन रही है। प्रवीण निषाद, प्रवीण निषाद आपकी उनका सफाया हो गया है। अब की बार पप्पू निषाद जिंदाबाद, उनके सिवा कोई नहीं आ सकता है। पप्पू निषाद हमारे संत कबीर नगर के हैं, बाहरी भगाओ। क्या मुद्दे हैं? युवाओं के ही मुद्दे है कि पप्पू निषाद को जिताओ चुनाव, पप्पू निषाद ही चुनाव जीते। क्या खासियत है पप्पू निषाद में? खासकर मेरे जिले का संत कबीर नगर का है, वो मेरा शेर है। वो प्रदीप निषाद है, वो कोई कुछ निषाद, प्रवीण निषाद किसी काम का नहीं है। वो गोरखपुर का है, बाहरी भगाओ, अपना जिला बताओ। कुछ क्या मोटी की बात, किताब से कोई चलेगा? जब रोजगार नहीं रहेगा क्या होगा? रोजगार चाहिए हम लोगों को। पप्पू निषाद
चुनाव जीतेंगे तो रोजगार मिल जाएगा। पप्पू निषाद जीतेंगे रोजगार मिलेगा, हमारे घर आएंगे। हर एक समस्या हमारे जिले के नेता है, वो कौन से हमारे जिले के है, बाहरी भगाओ अपना जिला बचाओ, संत कबीर नगर हम लोगों को बचाना है। वो भी तो आते जाते हैं बगल में, नहीं आते जाते, अरे तो घर बन गया, गोरखपुर रहते हैं, कभी नहीं यहाँ पर आते हैं। हम लोग को अपना जिला बचाना है, संत कबीर नगर बचाना है, खलीलाबाद बचाना है, हम लोगों को अपना संत कबीर नगर जिला बचा लेना। तो मित्रों आप देख सकते हैं कि जनसभा से निकल करके ये लोग रोड पे ये लोग जो टहल रहे थे, इनसे हम लोग जब जानने का प्रयास किए कि आखिर संत कबीर नगर 62 लोकसभा क्षेत्र में किसका झंडा ऊंचा होगा, संत कबीर नगर 62 लोकसभा क्षेत्र के लोग किसे अपना सांसद बनाएंगे, तो इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी इस मामले से संबंधित। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।